नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण का काम भी तेजी से जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन की कमी टीकाकरण की रफ्तार को धीमा कर गई है। कई राज्य कोरोना वायरस के टीके की कमी की शिकायत कर रहे हैं। वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है, जो भारत झेल नहीं सकता। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। बता दें कि वैक्सीन नीति को लेकर कई राजनीतिक दल सवाल खड़े कर चुके हैं। राहुल गांधी इससे पहले भी केंद्र की वैक्सीन नीति को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि विदेशों से वैक्सीन को केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए, ताकि एक देश के रूप में हमें वैक्सीन मिलने में आसानी हो। गौरतलब है कि देश में अभी तक करीब 18 करोड़ डोज लग चुकी है। 1 मई से 18 प्लस आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण वैक्सीन की कमी होने लगी है। कई राज्यों में 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण रोक दिया गया है। कई राज्यों ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।